हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड डियर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद से प्यार करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, सेल्फ लव करना। आज हम बात करेंगे कि 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आनी है और क्या कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है। तो चलिए डियर, पॉजिटिव हो जाइए एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या आ रहा है इस 11 पोर्टल में आपके लिए। देखिए डियर, शुरू में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए। तो यू मीन डियर, इसका मतलब यही है कि लाइफ में बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारे ऑफर्स। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी से मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, लव कमिटमेंट चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकता है डियर। बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आ रहा है, पॉजिटिव कार्ड है डियर। ये देखिए डियर, नेक्स्ट अगेन आपके लिए कितना अच्छा कार्ड है। ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक ऐसा पर्सन आने वाला है जिसके आने के बाद आपकी सारी टेंशन, सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी। आपके लिए सबसे अच्छा ये पर्सन रहने वाला है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जैसा अभी तक नहीं हुआ है, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आए। क्योंकि आप ना काफ़ी टाइम से, देखिए डियर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी था, अभी नहीं है, डोंट वरी, अभी आपके पास ब्लैक मैजिक नहीं है, अभी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये इफेक्ट है उस ब्लैक मैजिक का। तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, नेगेटिव एनर्जी को आप लेकर आए हैं। लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, आपका अकेलापन दूर होगा। एंड यू नो डियर, आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर की भी फीलिंग ये हो सकती है, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है उस पर्सन को। लाइफ में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं ये पर्सन, एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है आपके पर्सन की, अगर आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। एंड ये जो लोग जॉब रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए भी ये समझिए कि आपके लिए बहुत सारे जॉब ऑफर रेडी हैं, जो कि 11 पोर्टल के बाद आपके पास आने वाले हैं। एंड ये देखिए डियर, एस ऑफ कप्स का कार्ड कितना लकी कार्ड है डियर, कितना अच्छा कार्ड है आपके लिए। कितने सारे ऑफर्स, कितनी सारी गुड न्यूज़। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है ना काफ़ी टाइम से। आप में से बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है। पार्टनर ने अनब्लॉक नहीं किया है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। खूब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने के बाद भी आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं। आपने हीलिंग किया है, मैनिफेस्ट किया, आपने बहुत सारी कोशिश किया, बट कुछ भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी नेगेटिव थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक था, ब्लैक मैजिक का जो इफेक्ट था वो अभी भी था। एंड अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, बहुत अच्छी आ रही है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं। एंड जो लोग जॉब से रिलेटेड परेशान है, ये देखिए डियर, इंतजार ख़त्म हुआ, लाइफ में बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ रही है। एंड यू नो, आप क्या सोच रहे हो, आपको, आप यार अपने आप को क्यों कम सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए कितना प्यारा कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। इसका मतलब ये कि आप में वो सारी शक्तियाँ हैं, वो सारी एनर्जी आपके अंदर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी काम को आप में, मतलब कि आपके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है कि आप कुछ ना कर सको। आपके अंदर सभी पावर्स हैं, यूनिवर्स ने आपको सभी पावर्स देकर भेजा है। आपके पर्सन भी आपके लिए यही सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकते हो। उनकी फीलिंग आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है यार, वो आपको एक एक मैजिशियन की तरह देखते हैं, जादूगर की तरह देखते हैं कि आप सब कुछ छड़ी घुमाओगे और सब कुछ ठीक कर दोगे। आप पर पूरा भरोसा है आपके पार्टनर को, उनकी फीलिंग बहुत पॉजिटिव है। अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है आपको, लेकिन ये जो पोर्टल है ना, इसके बाद यानी कि 11/11 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में अकेलापन उड़नछू हो जाएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी डियर, और ये खुशियाँ हमेशा के लिए रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आज आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक किया या फिर आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हुआ, अगेन फिर दोबारा ऐसा होगा। नहीं डियर, परमानेंटली खुशियाँ रहने वाली हैं आपकी लाइफ में, अकेलापन जाने वाला है। ये देखिए, इंतज़ार ख़त्म करो डियर, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। किसी इंसान के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि बस कैसी एक बार वो आ जाए, कैसी एक बार मेरी बात हो जाए उससे, तो डियर होने वाले, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, लेकिन ये पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये सब चीज़ें जो भी चल रही है ना, संघर्ष, स्ट्रगल वगैरह, ये सब खत्म होने वाले आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली हैं। 11/11 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उदास बहुत हो रहे हैं डियर आजकल आप,
आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि आप उनकी एनर्जी को पिक करते हो। आप काफ़ी टाइम से ना अपने पार्टनर के ड्रीम देख रहे हो, आपके पार्टनर आपके ड्रीम देख रहे हैं, तो डियर एनर्जी पिक कर रहे हो आप। आपके पार्टनर बहुत उदास हैं एंड आप भी फाइनली उदास महसूस हो रहे हो मुझे, तो ये जो उदासी ख़त्म करो यार। इलेवन इलेवन पोर्टल आपके लिए बहुत लकी है, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। डोंट वरी यार, चिंता मत कीजिए, देखिएगा बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट। ये देखिए डियर, अगेन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में जीना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आई यू नो यार, फैमिली वाले भी आपके पार्टनर को बहुत फोर्स कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करो, न्यू शुरुआत करो ना। जो लोग, जैसे कि आप लोगों की जो मैरिड हुई है, जो मैरिड शादीशुदा जो लोग हैं, उनके जो इन लॉज हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए ये फीमेल के लिए भी हो सकती है, मेल के लिए भी हो सकती है। उनके इन लॉज क्या कर रहे हैं, उनके इन लॉज फोर्स कर रहे हैं उस पर्सन को कि आप दूसरी शादी कर लो, आप उस पहले पर्सन से मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बट यार, आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं इस इलेवन इलेवन के बाद, वो चाहते हैं। उनका उनके ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है कि अभी तक बहुत से लोगों के पार्टनर क्या, उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, वो अपने पार्टनर के बिना रह ही नहीं पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए पार्टनर को वापस लाइफ में लाना है। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक्शन लेने के लिए नहीं सोचा, ये इफेक्ट जो पड़ेगा ना फुल मून का, वो बहुत अच्छा पड़ेगा। इफेक्ट इतना अच्छा पड़ने वाला है डियर कि ये आपके पास खुद वापस चल कर आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड डियर, इलेवन इलेवन बहुत अच्छा है आपके लिए। एंड डियर, ये देखिए जो लोग जॉब के लिए परेशान है करियर में, उनके लिए देखिए कितने सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं यार। खुश हो जाइए, झूम उठिए, पॉजिटिव रहेंगे ना तो, ये देखिए अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं डियर। लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, जो बुरा वक्त था वो चला गया। अगर आप भी ऐसा ही सोचेंगे ना तो समझिएगा कि आपकी लाइफ में, ये देखिए सारे कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं यार, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है, इसे क्लेम कीजिए। एंड यू नो डियर, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना काफ़ी टाइम से, यू नो वो सब निकलने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आ रहा है ना बहुत अच्छा समय है। लेकिन डियर यू नो, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी रहेगी ना तो फिर चांस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो 101% आपके साथ ये सब होगा, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो गलत है। उदास रहना छोड़िए, बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं, उदास मत रहिए। काफ़ी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन यार कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, न्यू बिगनिंग है तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। ये देखिए लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, दूर होने वाली है सब। एनर्जी बहुत पॉजिटिव रखनी पड़ेगी आपको डियर, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रही है, अभी ये सारी जो प्रॉब्लम है ना खत्म होने वाली है, तो डोंट वरी यार, चिंता मत कीजिए, सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा। पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं डियर आपके, और आप ना बेमतलब की इतनी टेंशन ले रहे हो, तो बिना मतलब इतनी टेंशन मत लीजिए यार, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेंगे तो ही अच्छा होगा, सोच लीजिएगा। अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नेगेटिविटी लाएंगे, उदास रहेंगे और यू नो ऐसे सैड फेस बना कर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझे आप। तो अच्छा रही सोचिए, खुश हो जाइए, फेस्टिवल का सीजन है आपके लिए, बहुत अच्छा रहने वाला है फेस्टिवल। एंड थैंक यू डियर, अगर आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही हो और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड डियर प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा जरूर कैसी लगी। एंड हाँ डियर, क्लेम करना रीडिंग को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच डियर।